हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वाइट चिकन कोरमा। अगर आपने ये वाला कोरमा पहले कभी नहीं बनाया तो मेरी इस रेसिपी से बना के देखें। वाइट ग्रेवी के साथ ये चिकन कोरमा बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद नैश आलम को और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चले फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए वॉक में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें हाफ टी स्पून जीरा, 7 से 8 काली मिर्चें, 3 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लौंगे और 1 दालचीनी का पीस, 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची। इन तमाम खड़े मसालों को डाल के कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लें। ये 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज के पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट प्याज को फ्राई करें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन को भून लेने के बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये मैंने आधा किलो चिकन अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऐड कर दिए। चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है ताकि चिकन की स्मेल दूर हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। वाइट पेपर की जगह आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इसमें यही मसाले जाएंगे। अब इसमें आधा कप खूब अच्छा सा फिटा हुआ दही शामिल करें और 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे। फिर इसमें आधा कप पानी डाल के कवर कर दें 10 से 15 मिनट के लिए ताकि चिकन गल जाए और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे। और यहाँ मैंने 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, फिर इसका छिलका रिमूव कर दिया है। थोड़ा सा दूध डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। इस टाइम हमने जो बादाम और काजू का पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दीजिए और इस पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे और 3 से 4 मिनट इसे भून लेने के बाद इसमें 4 से 5 टेबलस्पून क्रीम डाल दीजिए। यह टेट्रा पैक क्रीम है, आप इसकी जगह घर की बलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रीम डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्रेश क्रीम डाल के इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनेगी, आप देख सकते हैं। और इसका टेस्ट और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और क्रीम मिक्स करके इसमें 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। ये वाइट ग्रेवी के साथ बहुत ही लाजवाब कोरमा बनता है। मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।